जाने माने अभिनेता और महाभारत सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर से खास बातचीत की। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहली बात तो आपके तमाम सुनने वालों को मेरी ओर से आदाब और कुंतीभूत अर्जुन की तरफ से प्रणाम। ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे चयन किया गया था, 24,000 कैंडिडेट्स थे और उसमें मुझे चुना गया टू प्ले अर्जुन। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा खुशी का बाइस था। और मैं जो काम किया हूँ इसमें साहब, वो मैंने नाम जो चेंज करने की आपने बात की ना, तो वो कोई मैंने इसलिए नहीं चेंज किया कि कोई मुझे चेंज करना था जी। वो इसलिए चेंज किया कि भाई मजबूरी में आदमी महात्मा गांधी को याद करता है। आपको याद है महात्मा गांधी में जीना होगा, आपको याद होगा कि जब फिरोज खपाई थे तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर बड़े तो हम बड़े कंफ्यूजन में रहते, क्योंकि जिसको हम बोलते थे कि भाई मैं फिरोज बोल रहा हूँ तो बोले हाँ सर बोलिए बोलिए बोलिए, और उसके बाद जब मैं बोलूँ भाई मैं फिरोज खान बोल रहा हूँ, कौन फिरोज खान, वो जो मैं मंजिल में काम किया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ मिलते बाद में मिलते हैं, तो साला ऐसा लगता था कि किसी ने आसमान से उड़ा के बाहर करके फेंक दिया मुझे। तो उस चीज को इत्तेफाक की बात थी कि जब मुझे ये इतने हजारों में से जब मुझे चयन किया गया, तो डॉक्टर राही मासूम रजा और चोपड़ा साहब ने कहा था कि भाई क्यों नहीं हम आपका नाम मैं चेंज कर दे, तब्दील ले आए। मैंने कहा बोलिए, तो कहा कि हम आपको अर्जुन बुलाए, मैंने कहा ले इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि क्या है शनाख्त बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि अमजद भाई हो गए या अमरीश जी हो गए या जैन साहब हो गए या जितने भी जो बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, वो एक रोल से ही वो पूरे छा जाते हैं, अमर हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर वो पीछे पलट के देखते नहीं है। ये फिरोज भाई हैं जिन्हें अर्जुन के नाम से जाना जाता है, और शायद आने वाली जनरेशन जो नस्लें हैं, क्योंकि इनका वो मकाम कायम रहेगा जो इन्होंने स्टैब्लिश किया है महाभारत के रूप में। न केवल इन्होंने बल्कि हम जितने कलाकार बात करें, गूफी पेंटर साहब का नाम लिया जो कास्टिंग में भी रहे, और वो शकुनी मामा आज भी, वो जो क्रूर शकुनी मामा है शायद आज भी लोगों को डराता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा महाभारत न कभी खेला गया न रचा गया। और राही मासूम राजा, पंडित नरेंद्र शर्मा और बीआर चोपड़ा, वो जो एक जोड़ी थी, और इतने हीरो को इन्होंने तलाशा फिर तराशा और हमारे सामने लाए, तो ये हम सबकी खुशनसीबी है कि हमें इनसे रूबरू होने का मौका मिला। और इसी तरह की शख्सियत से हम आपको और रूबरू कराएंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल में। मैं हूँ प्रिंस गाबा राजेश। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।